इसके अंदर से दरअसल एक 800 मिलीमीटर की पाइप भेजी जा रही है। एक और पतली पाइप है लगभग 3 से 4 इंच डायमीटर की, उसके जरिए खाने का पैकेट, पानी और हवा दी जा रही है। और इसी पाइप के दूसरे छोर पर जो मजदूर हैं, दरअसल वो अपना मुंह लगा करके उस पर बोलते हैं और 50 मीटर की ये जो दूरी है संदेश दे पाते हैं। बेहद मुश्किलें हैं उन तक हौसला बनाए रखना, उनको दवाइयां पहुंचाना। और इस हिस्से पर जो मजदूर है अब वो कुछ कर नहीं सकते, तो इन तक पहुंचाने के लिए इस मलबे के बीच से लगभग 800 मिलीमीटर की एक पाइप पहुंचाई जाएगी। लेकिन चूंकि वो उतनी एडवांस मशीन नहीं थी, जब बाकी मशीनें काम नहीं कर पाई तो दिल्ली से एयरफोर्स का इस्तेमाल करते एयरलिफ्ट किया गया है। 25 टन की वो मशीनें जब आएंगी और वो इस समय रास्ते में हैं, इन सबको 5 से 6 घंटे में असेंबल किया जाएगा और तब वो मशीनें एक के बाद एक पाइप इस मलबे के भीतर से पार करेंगी। और जैसे ही इस पार वो हिस्सा पहुंचेगा, आप समझिए कि फिर उन्हें कुछ मिनटों में निकाल लिया जाएगा। चुनौती दरअसल ये है, आप ये देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी है और उत्तराखंड के इस हिस्से के जो पहाड़ हैं, दरअसल पूरा स्ट्रक्चर बहुत फ्रेजाइल है, बहुत कमजोर है। तो जब मशीनें एक तरफ का मलबा निकालती हैं, ऊपर से दूसरा गिर जाता है। और कल रात भी जब मजदूर काम कर रहे थे तब भी ऐसा हादसा हुआ, बहुत गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन ये एक डर जरूर है। तो सावधानी बरतनी है कि रेस्क्यू टीम भी काम कर सके, सावधानी ये भी बरतनी है कि बड़ी मशीनों के कंपन से 50 मीटर दूर दूसरी तरफ जो बैठे हैं वो 40 लोग 4 दिनों से, उन तक कोई खतरा ना हो, उनकी जान की भी सलामती चाहिए, उन तक खाना भी पहुंचना है, क्लास्ट्रोफोबिया ना हो ये भी ख्याल रखना है, मानसिक रूप से वो मजबूत रहे, उनके परिवार तक संदेश भी पहुंचे। इन सब के बीच जो जंग चल रही है वो यही है कि उन तक मदद के साथ साथ हम जरूरी चीजों को भेजें और टीम वहां पहुंचे। दूसरी बात, एक जानकारी ये भी महत्वपूर्ण है कि इस समय जो नॉर्वे की टीम है एनजीआरआई, उनसे कांटेक्ट किया गया है। साथ ही थाईलैंड में जो गुफाओं में कुछ बच्चे फंस गए थे उनको जिस एजेंसी ने निकाला था उनसे संपर्क स्थापित किया गया है, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है गुफाओं को लेकर के, टनल को लेकर के। तो वहां ऑक्सीजन सप्लाई कैसे हो, खाना रसद कैसे पहुंचे और फ्रेजाइल स्ट्रक्चर में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हो, ये जो चुनौती है, इसीलिए विशेषज्ञों की राय के साथ साथ दिल्ली मेट्रो और रेलवे की टीम से भी राय ली जा रही है। तो आप समझिए कि सारी एजेंसियां काम पर हैं, अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है, बड़ा सामान जो तंत्र है साधन है वो पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन हाँ चुनौती मुश्किल। और इसीलिए यहां जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि हम डेडलाइन नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश हर कोई अपनी ओर से कर रहा है। देखिए अभी जो मशीनें जिन दुर्गम रास्तों से, आप देखिए कि इस पूरे रास्ते पर कई जगह निर्माण कार्य चल रहा है, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां जब मशीनरी लेकर के आएंगी तो उनको आने जाने में समय लगेगा। 3 जहाज आने हैं, तीनों जहाज से जब 25 टन सामान आएगा उसको असेंबल किया जाएगा, उन असेंबली के साथ एक एक पाइप को अंदर भेजा जाएगा, कंपन बचाने के लिए कैलकुलेशन होंगी। ये बात जरूर है कि जब इन्होंने राहत बचाव कार्य शुरू किया था लापरवाही हुई है इनकी ओर से, और वो लापरवाही ये थी कि प्लान ए के साथ प्लान बी तैयार क्यों नहीं किया गया, यानी जब उन्हें पता था कि ऐसी पुरानी मशीनें हैं अंदर मलबे में कुछ भी हो सकता है तो ये तैयारी पहले क्यों नहीं की गई। आज जो सामान आया है उसकी असेंबलिंग क्या वो आज शुरू हो पाएगी, इस पर सवाल जरूर बना हुआ है। पहले तैयारियां की गई होती तो शायद इतनी धीमी रफ्तार रेस्क्यू की नहीं होती और इसी वजह से लोगों में गुस्सा नाराजगी था, लेकिन अब समझिए देर से सही लेकिन कोशिशें हो जरूर रही हैं। महज कुछ इंच का व्यास और लगभग 50 मीटर पाइप, यही कुल मिलाकर के लाइफलाइन है उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 40 लोगों के बीच और रेस्क्यू टीम के बीच। वो बचाव टीम जो कोशिश कर रही है कि 40 फंसे हुए लोगों तक हर संभव मदद पहुंच सके, और मदद के नाम पर इस अंधेरी गुफा में लगभग 50 मीटर लंबा मलबा जमा हुआ है और उस मलबे के पार पहुंचने के लिए इकलौता जरिया है ये लोहे की बड़ी बड़ी पाइप। इन्हीं पाइपों के जरिए दरअसल उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए रेडियो काम नहीं कर सकता, मोबाइल काम नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं है। तो पारंपरिक तरीका, बचपन में बच्चों का खेल हम सब ने देखा है, और आज वो तरीका यहाँ लाइफलाइन बन गया है। दरअसल मजदूर जो 50 मीटर दूर रेस्क्यू टीम से हैं वो इस पाइप के पास आकर के अपनी बात कहते हैं और इनकी आवाज जब दूसरे छोर पर बैठे रेस्क्यू टीम सुनती है तो उनका संदेश उनके परिवार के लिए, उनके घर वालों तक पहुंचाया जाता है, और घर वालों का संदेश जो है उन 40 लोगों तक पहुंचाया जाता है जो वहां फंसे हुए हैं। आप समझिए कि कितना मुश्किल ऑपरेशन है कि एक 50 मीटर कुछ इंच व्यास वाली ये पाइप जो है लाइफ लाइन है, कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ यही एक पाइप है, इस पार से बोलना, दूसरी पार से सुनना, और इसी तरह से उनका हौसला बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बार उम्मीद और हौसला टूटा तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन उतना मदद नहीं कर सकता, और इसीलिए उनका हौसला भी जीवित रखने की कोशिश की जा रही है, उनको हिम्मत दी जा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि वक्त काफी हो चुका है, बचाव की रफ्तार तकनीकों के चलते काफी कमजोर भी पड़ी क्योंकि आधुनिक मशीनें यहां पर नहीं थी, लेकिन इस अंधेरी गुफा में शायद ये एक अब तक का सबसे मुश्किल
और दुर्गम ऑपरेशन होने वाला है। इस बीच यहाँ जो काम करने वाली एजेंसियां हैं उन्होंने, चाहे वो एनजीआर हो, नॉर्वे की कंपनी, नॉर्वे की एजेंसियां, उनसे मदद ली है। साथ ही थाईलैंड की उस एजेंसी से भी संपर्क साधा है जिसने थाईलैंड की गुफाओं में फंसे हुए बच्चों को रेस्क्यू किया था। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से सलाह ली जा रही है कि वो गुफा के अंदर के नेचर को समझ सकें। साथ ही दिल्ली मेट्रो और रेलवे के साथ साथ जिनको की सुरंगों का अनुभव है उनसे भी ये समझा जा रहा है कि जिस तरह इसका फ्रेजाइल नेचर है, मलबा गिर जाता है, कैसे इसे रोक सकते हैं और पेनिट्रेशन करने के बाद कैसे ये विशाल लगभग 800 मिलीमीटर की जो पाइप है स्टील की उसे अंदर पहुंचाया जा सके। और आप देख रहे हैं एक के बाद एक मशीनें अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं। जैसे ही ये पाइप अंदर पहुंचेंगी इन्हीं पाइपों से 39 मजदूरों को निकाला जा सकेगा, लेकिन ये कब संभव होगा अभी फिलहाल ये कह पाना बेहद मुश्किल है। उत्तरकाशी ग्राउंड जीरो पर इस सिलक्यारा टनल के ठीक बाहर मृदुल के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।